अच्छा भाई चलो मिलते हैं। हाँ भाई इधर ही हूँ अभी भी, ज्यादा दूर भी नहीं हूँ। हाँ मिलते हैं, प्रतीक भाई को नहीं मिला पर जाने से पहले मिल के जाऊंगा, यानी गोवा छोड़ने से पहले। हो गया जी टाइम अरम्बोल लेक रिजॉर्ट को छोड़ के जाने का। बहुत कंफर्टेबल हो गए थे हम, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे। तो प्रतीक भाई को तो नहीं मिले जाने के टाइम पे, पर एक बार ये भी रिजॉर्ट अपना ही है और ब्लिस वाटर रिजॉर्ट ये वाला भी अपना ही है। तो अभी भाई बताता हूँ आपको, आराम से वापस आता हूँ, आऊँगा इधर। नहीं भाई निकलते हैं, अरे 25 हो गया आगे। नहीं, मैं निकलता हूँ आगे के लिए, आता हूँ, मैं कैरी जाके आता हूँ, इधर कंफर्टेबल हो जाता हूँ, व्लॉग नहीं कर पाता। हाँ कैरी जाके, कैरी से आगे का देखता हूँ, पर जाने से पहले मिल के जाऊँगा। पता नहीं हवा कम है आगे वाली टायर पे, बहुत कम है क्या? तो चलो हवा बाद में भर लेता हूँ। अभी यूजुअली ये अपना ब्लिस वाटर रिजॉर्ट और ये अपना अरम्बोल बीच रिजॉर्ट। अच्छा अंकल मिलता हूँ बाय। राम भाई कंपूचा पीते हैं उसके बाद निकलते हैं। तो चलो अभी चलते हैं प्राणा, प्राणा जाके कि कम्फूचा पीते हैं। कम्फूचा इज अ फर्मेंटेड टी जो हर दिन हम इसी टाइम पे जाके पी के आते थे। और ये देखो भाई टवल ववल सब कुछ पीछे लटकाते हुए। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, टवल वो टायर को लगेगा कपड़ा, कुछ भी। तो आगे के टायर में हवा कम है, हवा भर लेंगे, एक एक खम्पोचा पी लेंगे, उसके बाद राम भाई जाएंगे नीचे और हम जाएंगे ऊपर। आज का व्लॉग देखा मैंने, मीन्स आज का व्लॉग के कमेंट्स भी देखे मैंने, अच्छे हैं। सभी लोगों को DIY ज़्यादा पसंद है, राइडिंग टेक्निक ज़्यादा पसंद है, माया के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद है, रिव्यू भी पसंद है। तो रिव्यूज का पता नहीं आगे क्या होगा, पर व्लॉग्स तो आएंगे भाई, या माया पे बैठ के आएंगे व्लॉग्स, या मेरे चेहरे के आएंगे व्लॉग्स, पर व्लॉग्स आएंगे। 4 दिन के व्लॉग्स। हाँ कभी कभार मैं भी इंसान हूँ, गलती कर लेता हूँ, या कभी कभार मैं भी मसरूफ़ हो जाता हूँ, उसके वजह से व्लॉग्स नहीं आएंगे, पर नॉर्मली व्लॉग्स आने की पूरी कोशिश जारी रहेगी। तो अभी यहाँ से, अरे यार मैं गोवा छोड़ नहीं रहा हूँ, पर तभी वो एक अंदर से फीलिंग आ रहा है यार गोवा छोड़ने वाली। इट्स ओके, जाएंगे तो आएंगे। सो रेगुलरली आई यूज्ड टू बी दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्राणा में रहता था कम्फूचा पीने के लिए। उसके बाद प्राणा में कम्फूचा पीने के बाद आ जाता था मैं आता था यहाँ लेजी डॉग, मस्त बीच और स्विमिंग पूल। और दीज आर द सेम गाइज वो ओल्ड मनाली के जो है ना, दीज आर द सेम गाइज, लेजी डॉग वही है। और हाँ माया को लेके नहीं घूमा, पर एक्टिवा लेके बहुत घूमा मैं। एंड आई लव दीज रोड्स। अरे मेरे दोस्त लोग इधर ही हैं, लद्दाखी भाई भाई, तो मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। यही है वो, स्कॉर्पियो नहीं है,
दिस इज द वन विच यू कैन यूज इट एज अ हाफ फेस हेलमेट, फुल फेस हेलमेट या ऑफ रोड हेलमेट? हाँ, ये निकल जाता है। अच्छा। अभी यहाँ पे आके मैं हर जगह टू स्कूटी चलाने के लिए ये हेलमेट पहन के थोड़ी चलाऊँ, तो आई हैड रिमूव्ड दिस जॉब। हाँ, ये पूरा निकाल दिया था उस शाक का ना, वो पीछे चला। हाँ, शाक का पीछे चले आता है, पर हमारा ये भी तामझाम है ना। नमस्ते। शुभत, शुभत इज ऑल्सो गुड। साइलेंस। हाँ, पर शुभत का जो है ना, शुभत दिस एंड शुभत आर कंपेयर टुगेदर, बट दिस इज लाइटर देन शुभत एंड चीपर देन शुभत। और मेरा सर ऐसे कहता ऐसे करके, वो हेलमेट है ना सारा, मतलब कुछ नहीं हुआ अंदर। मैं वही बोल रहा हूँ ना भाई, राइडिंग गियर एंड हेलमेट, पैसे डालना कभी भी उसका वेस्टेज नहीं है भाई। हाँ जी, तो चलो मिलते हैं। सुमित विश्वास, सी यू, सी यू, सी यू अचो, सी यू भाई, सी यू ब्रदर, सी यू, मिलते हैं भाई। चलो अपने लड़ाकी भाई लोगों को भी मिल लिए, उनको भी भाई बोल दिया, और या ही इज राइडिंग अ कावासाकी, देन यू हैव इंटरसेप्टर, बोनेविल, एंड हम अपनी टाइगर्स के साथ यानी माया। फटाफट निकलते हैं। क्या बोलता है ना, कंटेंट बनाने के लिए हम लोग जब ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करने के टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस जो आ जाते हैं, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, वो थोड़ा सा दिमाग ख़राब करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, और जो हमने डे वन, डे टू, डे थ्री प्लान कर रहे थे, वो सब कुछ जब इधर उधर हो जाता है, वो थोड़ा सा दिमाग ख़राब करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एवरीथिंग इज़ फाइन। ये ब्यूटीफुल बैक वाटर्स, अभी एक एक खम्पोचा पीते हैं, थोड़ा सा ठंडा रहेगा, और उसके बाद यहाँ से कैरी के लिए निकलते हैं। चलो भाई, आ गए हम प्राणा, वायु प्राणा, जो भी आप बुलाना चाहो। दिस इज माय फेवरेट प्लेस इन नॉर्थ गोवा। खम्पोचा टी पी के भी, और राम भाई भी निकल गए, मैंने भी हवा भर लिया माया पे, और अभी यहाँ से निकलते हैं। आगे का जो डेस्टिनेशन है 13 किलोमीटर है, 28 मिनट्स इज व्हाट गूगल सेज। दिस इज गोवा and this is Maharashtra, so I'm heading towards Kerry, और चलो चलते चलते बातचीत करते हैं। तो कमेंट्स पढ़ने के टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत नोटिस किया, DIY हर दिन नहीं हो सकता यार, क्योंकि DIY करते रहेंगे गाड़ी में तो भाई प्रॉब्लम आना चाहिए ना। या बैंगलोर जब पहुँचूँगा, आटा मोटरसाइकिल जब पहुँचूँगा, तब DIY वाले व्लॉग्स आ जाएंगे, और बाकी के टाइम पे जब मैं माया के साथ रहूँगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का जो एक्सपीरियंस है, दैट इज़ समथिंग जहाँ पे आप हर एक या दो दिन एक जगह रहते हो, आगे जाते, एक्सप्लोर करते हो, उसके बाद आगे जाते हो, दैट इज़ द फॉर्मेट विच आई लाइक। अभी लॉन्ग डिस्टेंस तो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, अभी गोवा में है, तो गोवा का जितने दिन मैं गोवा में रहूँगा, उतने दिन मैं गोवा का व्लॉग्स बनाऊँगा। अगर आप भी गोवा में हो तो सैटरडे आप ट्राम शोरूम आ जाना, एक छोटा सा मीटअप मैं गोवा वाली फैमिली के लिए रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखते हैं, मिलते हैं अपनी गोवा वाली फैमिली को, और देखते हैं क्या क्या होता है। अभी मैंने इंस्टाग्राम में अनाउंस नहीं किया है, पर यूट्यूब में बोल दिया हूँ। ऐसे भी मेरे को ट्राम सर्विस सेंटर जाके इसका एक बार इग्निशन का भी मेरे को चेक करना है, क्योंकि लो RPM में अभी भी थोड़ा बहुत कभी कभार झटका मारती है, वो झटका मारने का बीमारी थोड़ा सा कम करवाते हैं, और
उसके बाद आगे के जर्नी पे निकलते हैं। वापस मैं वही रूट ले रहा हूँ अरम्बोल वाला, क्योंकि कैरी एक पहले भी जा चुका हूँ एक बार, और वहाँ पे करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी जगह है, पर घूमने फिरने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं। लेजी डॉग, वापस, बाय बाय। अगर आप ब्लिज वाटर रिजॉर्ट या अरम्बोल लेक रिजॉर्ट पे जाना चाहते हो, ये नानू नानू रिजॉर्ट के थोड़ा सा आगे आओ। आगे आने के बाद यहाँ पे एक टर्न आता है, कच्चा ऑफ रोड वाला, ये टर्न पे चले जाओ तो आपको मिल जाएगा। और जब भी आप, अगर मेरे फैमिली से हो, डिजिटल फैमिली से हो, तो अगर वहाँ पे जा रहे हो तो बोल देना कि जुनैद भाई के डिजिटल फैमिली से हैं, तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको मिल ही जाएगा। अरम्बोल बीच जाने का रास्ता, पर हमको जाना है सीधे। दिस इज वन ऑफ द बीच वेयर नॉट मेनी पीपल गो, और बहुत पीसफुल जगह है वो, आपको कल पता चल जाएगा कितना पीसफुल है, और ज़्यादा कोई ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। पर वहाँ पे जाने का रोड भी है ना, बहुत सेक्सी सा है। कोई रोका नहीं तो हमने भी रुकाया नहीं। So this road goes to Maharashtra and here we are heading towards Kerry. यानी ये ब्रिज एक क्रॉस कर दिया तो समझ जाओ आप महाराष्ट्र बॉर्डर में घुस गए। यानी बैकवाटर के इस साइड गोवा है, बैकवाटर के उस साइड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जाना था, देवू भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करना था, उसके बाद गुजरात जाना था, क्या क्या चीज़ करना था जुनैद, पर कुछ नहीं हो रहा है। एटलीस्ट गोवा तो हो रहा है, उसका तो शुक्र अदा करना पड़ेगा मेरे को। वी आर एट कैरी बीच। अभी मैं फटाफट रूम का इंतजाम करता हूँ और आप लोगों को मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद।